even as steps are taken by the government and security forces to evacuate certain sensitive zones along the Punjab border, our NNIS team found out many locals were against leaving their homes. Locals told our NNIS crew there was no need to evacuate villages beyond a 10-kilometer radius along the border. Certain others were saying the state government was harassing them by forcing them to evacuate. A few others told our crew no matter what happens, they would never leave their homes. Our team traveled through villages of Dauke, Rashtaraniya, Bhani Rajputa, Wagha border and Atari village. Here's their story. अभी तो कोई नहीं गया इधर से। अभी तो कोई नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तो। तो आप कब से हैं यहाँ गांव में? हम तो कभी 6 दिन हो गए इधर। अच्छा। अब तो माहौल भी ठीक है, कोई नहीं गया इधर से। तो अब अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं आया यहाँ से हटने के लिए? कोई नहीं आया, कोई आदेश नहीं। सिर्फ हमारी ड्यूटी लगी है इधर लोगों को लेके जाना है, अगर माहौल ख़राब हो जाता है लेके उधर लेके जाना है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है। हाँ, एमरजेंसी करी जाए क्योंकि गांव में खाली कराने वास्ते जो साढ़े घर पुलिस आई है आन के उन्होंने एकदम किया भी गांव खाली कर दो, बच्चे अपनिया बहू बेटियाँ सब पिछे भेज दो। आपू ये गल सुन के बहुत ज़्यादा परेशानी है इस गल की, बच्चे ते बहू ते बेड़ियां भेज दित्तिया पिछे, ते किसे जाके गुजारा नहीं हुंदा, अपने घर ही कि ठीक नहीं था। बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम आई, स्कूल लगन डे, बच्चे स्कूल जान तो बहुत ज़्यादा परेशान से क्योंकि बच्चे हुण सारे वापस तुरे आउंदे ने ते स्कूल पिंड दे लगन डे ने, बच्चों नूं पढ़ाई बहुत ज़्यादा पिछे पैण डई। हाँ जी, अभी कैसे हालात है? अभी हालात ऐसे ही भी जो गांव जो चले गए इंज लगता है भी जो गांव दे विच कोई बंदा नहीं है, फिर सिर्फ सियाने सियाने बजुर्ग जनानियां ते बंदे ही, ते कोई इंज लगता है भी जो कोई बच्चा ते कोई दिसदा ही नहीं पिंड दे विच, बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम आई है गल दी। अब गाँव के हालात तो ठीक ही है पर दुनिया डर दी बहुत ही भाग भूग गई है इतों, अजय मैं तो अच्छे जी लड़ाई लड़न देखने लगा तो मैं तो रहना इतें ही ना, उस लड़ाई च गया तो ना हूँ ही जाना, बेशक जिन्हें मर्जी चक दे कोठे चढ़ के देखी दी है तो फौज वाले सगवान दिया भी बापू तेरी मौत वजह मार दी है, मैं वजह ने बापू मर जी, तुम मर जाओगे तो बापू मर जू, फिर की है सरकार ने 10 किलोमीटर का एरिया खाली करने, हाँ खाली करने के लिए इतने आए ही, मैं भी यहीं आई, मैं जायदाद लेके कैसे जावे, अभी नहीं जाना किसी भी बिल्कुल नहीं जाना, भाई इतने रहना वाल कार के किसानों को बहुत दिक्कत हो रही होगी अभी, है तो सारे पर जाइए किसी नहीं जायदाद छड़ के हूँ, एडे एडे मकान पाए या कोठियां पाइया तो बाहर फसल, मैं करोड़ों रुपये का फसल है बाहर तो की करांगे बाहर जाके, कोई नहीं रोटी खवाउंदा, ये ना आख्या लंगर लाए वो किया, दुनिया सामभ सकते ना ये नहीं सामभ सकती।